अपर संस्कृति अपर पहचान वाल पहाड़ी चूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय दियो जय की हाल चाल है राम सब ठीक ठाक वाला। तो गाइस आज मुझे यहाँ दूसरा दिन है, कल शूट में लेट हो गया था ना, लेट हो गया था तो मैं यहीं रुक गई थी, मैं यहाँ सोई थी। तो आपको पता चल गया होगा मेरी आँखें सूजी है तो क्या मस्त नींद आई होगी रात में। तो आज जो है अब मैं जा रही हूँ, अंशु आज स्कूल नहीं गया क्यों? अंशु को बुखार आ गया इसलिए स्कूल नहीं गया। इसकी दीदी जो है उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो वो स्कूल गई है और इन्होंने मेरे को सुबह सुबह बहुत ही दो अच्छे गिफ्ट दिए। इन्होंने पता नहीं कब से रख रखे थे वो गिफ्ट हैं, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिए, मैंने उनके अनबॉक्सिंग करी। अगली बार अब मेरे को इनको रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा है। और अंश हमसे डरते नहीं हो क्या? चल नहीं रही यार अंशु, गोली नहीं है यार हमारे पास, अभी गोली लेके आएंगे हम। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब तो चला, यस। तो यहाँ अमरूद लग रखे हैं अभी भी, ये देखो छोटे छोटे हो रखे हैं यार, पर ये अमरूद का तो सीजन जाने वाला। ओह एक मिला मेरे को बड़ा वाला अमरूद, तेल तोड़ू। तो ये दीदी का यहाँ पे बच्चों के लिए एकेडमी बन रही है पूरी प्रॉपर। अभी जिसको भी मेकअप का कोर्स करना है लालपा बिंदु खत्ता के अंदर या उससे बाहर भी, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे, हमारा काम चल रहा है, मतलब बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा और आप यहाँ पे प्रोफेशनल मेकअप और हेयर स्टाइल मतलब सारा कुछ, नेल्स वगैरह सारा कुछ हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग जहाँ से भी मुझे जानते हो, अगर आपको कोर्स करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉपर सुविधा है, वॉशरूम किचन खाना भी बना सकते हैं, रहने की भी यहाँ पे सुविधा हम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे बाहर से आते हैं, बीच में आए थे थल पिथौरागढ़ से, वहाँ से भी क्वेरीज आती हैं बच्चों की, तो हम उनको मना कर देते थे क्योंकि रुकने का प्रॉब्लम, वो हल्द्वानी से अप डाउन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो हमने सोचा कि हम रूम भी रेडी कर देते हैं ताकि बच्चों के लिए यहाँ पे रूम भी बनाया है प्रॉपर एक। सारा ही चल रहा है अभी काम, मैं भी सीखती हूँ अब। प्लानिंग है पूरी अंशु की। अब जो है मैं जा रही हूँ तो रॉक भानु इनका नाम है, रॉक रॉक। तो ये डीके स्टूडेंट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे। बाय बाय टाटा। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने रेस्टोरेंट में, चुफाल कैफे। दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस अभी मैं पहुँची चुफाल कैफे एंड रेस्टोरेंट में, ये यहाँ के दो मालिक साहब आए हैं। अभी सुबह से इतने कस्टमर आए, अबे देख लो इधर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दीदी के वहाँ से पार्लर से अभी पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे चुफाल कैफे एंड रेस्टोरेंट में, जिनके ऑनर हैं आपके चहेते पंकज सिंह चुफाल एंड मनीष चुफाल, चाचा भतीजा रेस्टोरेंट। भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, माइक लीजिए सर जी। वेल कह जाए तो मेहनत करी हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए, हमारे माँ बाप का साथ रहा है, बहुत दिन से हमने करते करते हम यहाँ पर पहुँचेंगे। चलो आप लोगों का साथ रहेगा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। ठीक, एक मिनट जरा कॉल आ गई है मेरी। रोज आते रहना फिर। कितने स्टार? सेवन दे दिया आपने तो।
अच्छा लगता है मुझे। ओके थैंक यू। हमारे जहन में आया क्यों ना ऐसा स्वाद दिया जाए, दिमागी हो जाए हमारे खाने और हमारे बर्गर की और चाउमीन की और क्या क्या बनाते हैं मैं मेन्यू में देख के बताता हूँ। ये हमारा मेन्यू है और इसको देख लीजिए, इसका क्लोजअप ले लीजिए। ओके मैं डाल दूँगी। हाँ ऐसा स्वाद दिया तो कस्टमर खुश हो के जा रहे हैं, कस्टमर लौट के आते हैं वापस, चलो एक ब्रांच तो भी ऐसा है कस्टमर मांग रहे थे रोस्टेड चिकन तंदूरी चिकन और स्टेरी चिकन चाप वगैरह, तो हमने सोचा क्यों ना उस चीज़ को सही किया। नीचे इसी रोड पे और जगह पे इसी रोड में नीचे फूड फंडा नाम से हमने खोला, वहाँ पे इंडियन चाइनीज तंदूर दोनों डिपार्टमेंट का वहाँ आपको जो है खाना मिल जाएगा। ज्यादा प्रोफेशनल नहीं बन रहे तुम लोग, ढंग से बोला अब। समझ गया, मैं कह दिया था जरा अपने एड्रेस तो बता दे यहाँ का। यहाँ का मुझे नहीं पता, मैं ऐसा ही बंगाली में मैं भी नया नया हूँ ना, मैं भी नया ही। मिस्टर पंकज सिंह चुफाल जो है यहाँ पे खाली करछी खाली ला रहे हैं, वो करछी वही चौमिन है इसमें। इनविजिबल आ गए हैं, इनविजिबल आ गए हैं बिना आग के चौमिन बना दे, बिना आग के चौमिन। तो काफी वेराइटी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ज्यादा बिजी पर्सन मत बन के क्या एटीट्यूड दिखा रहे लोग डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, इतना काम है मुझे शिमला मिर्च काटनी है मुझे, खाली कर रहे हैं काम भाई, वो भैया करते हैं काम ऑनर कोई काम करते हैं कस्टमर आ गए मेरे, आई एम सॉरी कस्टमर नहीं आ रहे यार। तो यहां पे है लोकेशन दिखा दे सबको, यहां पे है लोकेशन, छोटा सा निर्मला कॉन्वेंट काट गोदाम गोदाम। बड़ा बड़ा आपको एक जगह लिखा हुआ चुफाल कैफे एंड रेस्ट्रो। गाना तो सुना दे अब। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर होगा, ऑफर तो पता, ऑफर कहाँ होता है फिर छोटे मोटे स्टार्टअप वाले बिजनेस मैन है हमारे, ऑफर बैंक मिल लगे तो हमारा कैसे चलेगा। बाकी ये लोकेशन है निर्मला कॉन्वेंट स्कूल के बैक साइड को, ये लिटिल फ्लावर ओल्ड एज होम भी है यहाँ पे, चुफाल कैफे एंड रेस्टोरेंट नाम से दिख जाएगा, काट गोदाम वाली जो बाईपास कनाल। तो आप मेरे से और क्या बात करना चाहेंगे, आपसे गाना सुनना चाहेंगे, मनीष जी की फरमाइश है। मनीष जी से आप गाना सुनिए, यही मिठास मैंने आपको दे रखी है, आप गाना सुनाइए एक बार। गाना तो बड़ा मीठा गाया तो चीनी खा गए हो जाएगा गाना। और कुछ बात करना फिर, हम अपना प्रमोशन करवा रहे हैं यहाँ भानु चुफाल जी से, चुप रहे तो क्या करना क्या कहना चाहेंगे। हाँ। तो आपको हमारा रेस्टोरेंट कैसे लगवाना जी? बढ़िया लगा, आप पहली बार यहाँ आई आपसे मुलाकात हुई मुझे अच्छा लगा, वैसे आप रहते कहाँ हैं? आपके दूर से दूर के मैं थलादड़ रहती हूँ थलादड़ जानते हैं आप कहाँ हैं? हम तो पहाड़ों में कहाँ रहे हैं, हम तो शहर वाले हमारा तो जीवन शहरों में बीता है। उसको पहले पंजाब थे, उसको पहले गोवा, कभी कभी थाईलैंड भी चले और बता दे क्या हाल है तेरे? मेरे हाल बेहाल है, बड़े दिनों बाद मिले तू, इधर देख कैमरा में पकड़ मार ले तू बात कर। तो दगड़ियो भानु चुफाल का फोन खराब होने वाला है, थोड़ा डोनेशन दे दे इसको किस्तों में जिंदगी चल रही है इसकी इसका लीवर भी खराब हो गया फैटी एसिड से लीवर में, इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, इसको पीलिया भी हो गया है, इससे खाना भी नहीं खाया जाता, इस मारी ब्लॉग भी नहीं बनाती है, गाने भी नहीं करती है, बस जल्दी आपको दिखूंगी एक दो महीने का। कहाँ दिखोगे? गानों में गाना आने वाला है, दो गाने आएंगे। अभी कोई गाना शूट कर रखा है? हाँ, एक गाना शूट कर रहे हैं। अच्छा, ये माइक कितने का लिया था आपने? ये माइक मैंने
इधर दे 15,000 का लिया था मेरे को दे मैं पकड़ूंगा माइक इंटरव्यू मैं ले रहा हूं तू ले ले चल बोल बस इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं अब कुछ बात करने को नहीं है तो क्या इंटरव्यू लूं गाना गाने के लिए बोला था तेरे को गाना तो कैसी काटूं लो दिन बिन प्यारा पहली पहली बार देखी हलदनी बजारा कैसी भूलूं मैं तेरा हंसणू कैसी भूलूं अनारा जो तू नी बनली मेरी जोड़ीदारा कैसी काटूं लो दिन बिन प्यारा कैसी लगी मेरी एक्टिंग चलो हो गया फिर मिलते हैं फिर कभी दोबारा आपसे मिल के अच्छा लगा अब आप दिल्ली जा सकती है यहाँ प्रमोशन कर देना यहाँ भी और नीचे भी ठीक है हाँ। पैसा नहीं मिलेगा पैसा निकाल उतरेणी को तिक लगी छो सरियों का बगड़े में तले मेले उलो बागनाथ मंदिर में जुलो सरुले वो ले 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 सरवा गया सरुले की दाढ़ी क्यों है स्मार्ट है इसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं किसके लिए इसके लिए नेपाल से लड़की ढूंढ रहा हूँ हमारा बहुत बड़ा आया था हमारे शेर साहब का और हमारा मनीष भाई का और मेरा पार्टी का पार्टी का कोई आदमी मेरा हाथी है गाइस हमारे भाई की आदत है बड़ा था इसलिए तो बनवाया हमने देखो एक खत्म हो गई उसके बाद बनवाया हमने बिजनेस कर लिया अभी थोड़ा और बताए तो मेरे बनाऊंगा